सो हेलो सब गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 28th डे हमारी मेन गेनिंग का, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लास्ट 20 दिनों से हम लोग कंसिस्टेंट हैं, हम लोग रोज व्लॉग्स डाल रहे हैं, हम लोग अपने वर्कआउट्स रोज कर रहे हैं, हम लोग अपने स्टेप्स रोज कंप्लीट कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि ये बाकी के 40 दिन भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहे और हर चीज़ जैसे प्लान की गई है वैसे ही हो, सो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। बाकी अभी सुबह के 8 बज रहे हैं एंड मेरे पास आज भी एज यूजुअल टाइम नहीं है क्योंकि मैं आज उठने में थोड़ा सा लेट था। बाकी मुझको ट्यूशन जाना है, उसके बाद आई विल गेट डायरेक्टली टू द जिम। आज है हमारा बैक एंड बाइसेप, या यू कैन कॉल इट अ पुल सेशन, तो जाके बहुत हार्ड ट्रेन करेंगे। एंड मैंने अभी इंस्टा पे अपना शॉर्ट अपलोड किया है, लेट मी शो यू गाइस। सो दिस इज ऑल्सो डन, अब चलते हैं डायरेक्टली ट्यूशन, उसके बाद वी विल गो टू जिम। सो गाइज, जस्ट बैक होम और देर इज अ स्लाइट डिले इन द प्लान। अभी जो है मुझे 10 बज गए ट्यूशन से आते में, एंड मेरा जो जिम है वो 11 बजे बंद हो जाता है सुबह, तो मुझे फुल वर्कआउट लगाना है और मेरे पास सिर्फ एक ही घंटा है जो मुझे नहीं लगता इनफ होगा। सो आई एम थिंकिंग कि जिम आज जाते हैं रात को फॉर अ चेंज, मतलब एकदम कार्ब्स लोड करके। बहुत टाइम हो गया वैसे ट्रेन किए हुए, एकदम हैवी वाला फीलिंग आएगा, पम्प रहेंगे। सो चलते हैं जिम रात को 7 या 8 बजे के आसपास। अभी लेट्स गो फॉर अ हेयर कट क्योंकि मेरा मंडे से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। I don't want to look this bushy on the first day. So yeah, let's go for a haircut. So guys, all sorted. Haircut done. मतलब बताओ कैसा लग रहा है यार? मुझको कुछ ऐसा आइडिया नहीं था क्या करवाना है, मैंने बस जाके भैया को बोल दिया कि भैया एक फेड दे दो, and भैया did this. And I'm really impressed with what he has done. मुझको तो अच्छा लगा ये हेयरकट, आप लोग बताना कैसा लगा। एंड बाकी आज सुबह जिम ना जाने की वजह से मेरे पास पूरा सुबह का टाइम है और पूरे शाम का टाइम है, तो इस टाइम के अंदर मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई जो भी है सब कुछ कंप्लीट कर सकता हूँ, और उसके बाद फिर शाम को आई कैन गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, तो ये अच्छा होगा। एंड अगर वेदर अच्छा रहा देन आई गो फॉर अ वॉक, अगर बारिश वारिश कुछ हो गई सो आई डू माई कार्डियो जिम में ही रात को वर्कआउट के बाद, सो दैट विल ऑल्सो वर्क। और बाकी अभी मैं अपना फर्स्ट मील ले रहा हूँ दिन का, मेरा नाश्ता दिस इज ओट, नॉट ओट सॉरी दलिया, ढेर दलिया, एंड मुझको ये ओट्स से ज़्यादा पसंद है। इसके साथ मैं एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा कर सकता हूँ, ओट्स के साथ आई फील लिमिटेड, तो That's why I choose this, and taste wise भी मुझको ज़्यादा बेटर लगता है, so I have it. बाकी इसको खाते हैं, इसको कम्प्लीट करते हैं, फिर कुछ काम है, पढ़ाई वढ़ाई है, सब कम्प्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं शाम। शाम के 5 बज रहे हैं और लकीली आज धूप भी आई है बहुत दिनों बाद, so yeah, we can go for a walk. तो चलते हैं वॉक पे और कुछ कैलोरीज भी बर्न करते हैं। बैक होम, मैं छाता लेके जाना भूल गया था तो रास्ते में बारिश आने की वजह से मैं गीला हो गया, बट फिर भी 10,000 के आसपास स्टेप्स पूरे हो गए एंड दैट्स इनफ। बाकी लेट्स गेट रेडी फॉर जिम नाउ और चलते हैं जिम, मिलते हैं सीधा जिम में। सो मेरे जिम जाने में भी थोड़ा सा टाइम है, मतलब आई हैव अराउंड 30-40 मिनट्स, तो मैंने सोचा वाई नॉट वॉच सैमसुलेक, एंड ये मुझको एकदम मेरे पहले, मतलब आज से कुछ 4-5 महीने पहले का जो टाइम था उसकी याद दिला रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मैं इसी टाइम पे जिम जाता था, इट वाज अराउंड 7:30 और 8, और जाने से पहले एवरी डे आई यूज टू वॉच सैम सुलेक का कोई भी वीडियो जो अपलोड हुआ हुआ, एंड दैट वाज फन। मतलब
watching something just before your workout and the person you are watching really going intense on every set really motivates you. और दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि Sam Sulek हर set के बाद he do a lots of partials. So मुझको वो चीज़ भी help करती थी कि जब set ख़त्म हो गया तो मुझको partials करने में ये आता था, याद आता था कि अच्छा वीडियो में मैंने देखा था, सो आई विल डू दैट थिंग. तो ऐसे करते करते मेरी पार्शियल्स की हैबिट भी बनी थी वैसे. सो दिस इज़ अ थिंग. और मुझको अच्छा लग रहा है वीडियो में, थोड़ा देर इन्जॉय करूँगा दिस इसको, उसके बाद फिर वी विल गो डायरेक्टली टू द जिम.